विश्व कप श्रृंखला में 13 जून 2019 को इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच मैच खेला जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण मैच होगा। इंडिया की टीम पर बहुत प्रेशर होगा। पिछले दो मैच वो अपने पक्ष में कर चुके हैं और वो चाहेंगे कि ये जीत का जो सिलसिला है ये जारी रहे, क्योंकि इस विश्व कप श्रृंखला में भारत ट्रॉफी को जीतने का एक प्रबल दावेदार भी है। साथ ही न्यूजीलैंड की टीम भी कम नहीं है, उनके पास भी एक अनुभव है और उन्होंने बहुत सारे मैच खेले हैं और कई बार इंडिया को भी उन्होंने परास्त किया है। वो चाहे एक दिवसीय मैच की बात कर रहे हों, चाहे वो हम टेस्ट की बात करें या अन्य मैचों की बात करें, तो दोनों टीमों में से कोई भी टीम कम नहीं है। लेकिन भारत पर इस मैच का ज़्यादा प्रेशर रहेगा, ज़्यादा दबाव रहेगा, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि विश्व कप ट्रॉफी को जीतने का एक प्रबल दावेदार जो क्रिकेट के पंडित हैं वो भारत को मानते हैं। बात करते हैं इस मैच को और इस दिन जो ग्रह दशाएं हैं, जो गोचर है, वो क्या बोलता है। मैं एक बार गोचर कुंडली लगा लेता हूँ। 13 जून 2019 को जो ग्रह दशाएं हैं वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया को समर्थन है ग्रह दशाओं का। और अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करता हूँ तो इस मामले में न्यूजीलैंड को भी ग्रहों का समर्थन बराबर है। यानी कि जो 13 जून 2019 की जो गोचर कुंडली है इसमें चंद्रमा का समर्थन दोनों ही टीमों को, चाहे वो इंडिया की बात हो चाहे न्यूजीलैंड की बात हो, दोनों ही टीमों को बराबर रहेगा। यानी कि दोनों ही टीमें ग्राउंड में बड़े आत्मविश्वास के साथ खेल रही होंगी और दोनों ही टीमें चाहेंगी कि आज के मैच के परिणाम को अपने पक्ष में किया जाए। और जब ऐसी स्थिति होती है ग्राउंड में तो मैच उतना ही रोचक हो जाता है, उतना ही रोमांचक हो जाता है और दर्शक ऐसे मैच का भरपूर आनंद उठाते हैं। लेकिन सिर्फ गोचर कुंडली को आधार मान करके मैं ये कह दूं कि ये मैच भारत के पक्ष में जाएगा या न्यूजीलैंड के पक्ष में जाएगा, ये थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। तो मैं ये चाहूँगा कि एक बार मैं इंडिया के टीम के जो कप्तान हैं उनकी और उनके जो जो मुख्य महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, जो बैट्समैन हैं और जो बॉलर हैं महत्वपूर्ण, उनकी भी कुंडली को मैं एक बार देख लेता हूँ। साथ ही मैं न्यूजीलैंड की टीम की बात करूँगा, उनकी व्यक्तिगत कुंडली और ग्रह दशाओं की बात करूँगा कि क्या उनके खिलाड़ियों का समर्थन उनकी टीम के साथ है या नहीं है। बात करता हूँ इंडिया की टीम की। देखिए मैं एक इंडिया की टीम का जो ग्राफ देख रहा हूँ, चाहे वो मैं कप्तान की कुंडली की बात कर रहा हूँ या उनके जो ग्रह दशाएं, उनके जो खिलाड़ी हैं उनकी ग्रह दशाओं की मैं बात कर रहा हूँ, तो बड़ी अच्छी और मजबूत स्थिति में दिख रही है। और मैं वहीं पर अगर मैं न्यूजीलैंड की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो जो आज की जो तारीख में जो ग्रह दशाओं का समर्थन है वो कम नहीं है, वो भी एक अच्छा है। और मुझे लगता है कि उनके अंदर भी आज आत्मविश्वास बढ़िया रहेगा और वे कहीं ना कहीं बहुत सस्ते में इस मैच को नहीं जाने देंगे और आखिर तक वो इस मैच में कड़ा मुकाबला रहेगा और अपने विपक्ष जो टीम है उसको वो कड़ी टक्कर देंगे। जब ऐसा होता है तो मैंने कहा है कि जब भी दो टीमें इसलिए मैदान में उतरी कि वो चाहते हैं कि आज का मैच किसी भी स्थिति में अपने पक्ष में किया जाए, आज की जो अंक है वो अपनी झोली में डाल दिया जाए ताकि जो विश्व कप का जो ये जो बने रहने की बात है इस श्रृंखला में वो उसके लिए ज़रूरी हो जाए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मैच भी पूरा समय लेगा और दोनों ही टीमें लगभग अपनी पूरे ओवर खेलेंगी, उतार चढ़ाव भी रहेगा और कई बार आपको लगेगा कि इंडिया की टीम के जो प्रशंसक हैं उनमें थोड़ा सा निराशा का भाव दिखेगा, उन्हें लगेगा कि ये टीम, ये जो आज का मैच है ये उनकी टीम के हाथ से जा रहा है। ठीक वैसा ही न्यूजीलैंड के जो प्रशंसक हैं उनको भी लगेगा। लेकिन क्रिकेट जो है वो अनिश्चितताओं का खेल है और यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ज़रूरी होता है मैदान में आत्मविश्वास को बनाए रखने की, संयम को बनाए रखने की, और इसी संयम के साथ जब खेल खेला जाता है तो खेल उतना ही रोमांचक होता है और उसके परिणाम भी, तब इसमें हार और जीत कोई मायने नहीं रखती क्योंकि जीत एक ही टीम की होगी। लेकिन कई बार एक बड़ा कड़ा मुकाबला होता है और जो हारने वाली टीम होती है वो भी एक बहुत अच्छा मैच खेलती है तो उनकी भी प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन इस रोमांचक मुकाबले में, क्योंकि हमने जैसे कहा है कि एक ही जो टीम है जीत उसी को मिलेगी, तो मुझे कहीं ना कहीं अगर मैं ज्योतिष को आधार मान लेता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत कम अंतराल से ही सही, लेकिन इस मैच में भारत विजयी हो सकता है। आज के जो परिणाम है वो भारत के पक्ष में जा सकते हैं।
कल एक नए मैच की भविष्यवाणी के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।